तो भाई की हाल चाल, एक साल लगभग हो गए। एक साल बाद भाई एफ के आर इज बैक विथ अनदर वीडियो, और इस बार का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, एंड एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट डिस्कस्ड टॉपिक है इस टाइम का। जहां भी जाओ आपको ऐसे कमेंट्स दिखेंगे और कुछ ऐसे कमेंट्स दिखेंगे। लोग एक ही चीज बोल रहे हैं कि भाई बार्सा इतने बड़े डेट में है, कुछ कोई बोल रहा है 1.5 बिलियन के डेट में, कोई बोल रहा है 1.5-3 बिलियन के डेट में है। तो कहां से ऐसी साइनिंग्स हो रही है, जैसे कि लेवेंडोव्स्की, राफीनिया, कुंडे, एंड ये साइनिंग्स के लिए पैसे कहां से आ रहे हैं बार्सा के पास। तो भाई इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि भाई इस साइनिंग्स में पैसे कहां से आ रहे हैं, एक बहुत शॉर्ट तरीके से। एंड आई थिंक आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। लेट्स बिगिन। तो भाई स्टोरी शुरू करते हैं उस दिन जिस दिन बार्सा ने अनाउंस किया था कि लियोनेल मेसी बार्सिलोना के साथ कंटिन्यू नहीं करेगा। 5 अगस्त 2021 की ये इमेजेस है, उस दिन ये चीजें हुई थी, जिसको पूरा फुटबॉल वर्ल्ड एक बहुत शेमफुल दिन मान सकते हो आप इसको, बिकॉज बार्सिलोना एंड लियोनेल मेसी सीम लाइक दे वर टुगेदर फॉर एवर, बट अगेन जो हुआ सो हुआ। बट उस दिन से लेकर एक साल बाद, लगभग एक साल बाद की आज डेट है जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इट्स 29th of July। तो ऐसा क्या बदला है इस एक साल में जो बार्सिलोना ने लेवेंडोव्स्की साइन कर लिया, बार्सिलोना ने क्रिस्टेंसन साइन कर लिया, बार्सिलोना ने कुंडे साइन कर लिया, एंड काफी सारी और साइनिंग्स हुई है। रफीनिया साइन हुआ है, मोर देन 130 मिलियन ऑलरेडी बार्सा स्पेंड कर चुकी है इस ट्रांसफर विंडो में। तो इतना पैसा आ कहां से रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एक चीज समझने की जरूरत है कि इट्स नॉट एज सिंपल एज इट सीम्स। पेपर पे हमको लग रहा है कि बार्सा ने बहुत पैसे स्पेंड किए, बार्सा डेट में है। जी हाँ, बार्सा डेट में है, पर ये एक लॉन्ग टर्म डेट है। लॉन्ग टर्म डेट का क्या मतलब होता है, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके में समझाऊंगा। पहले बार्सा को यही पैसे अगले 3 साल के अंदर पे करने थे, अब बार्सा को ये पैसे अगले 10 साल के अंदर पे करना है, बिकॉज ऑफ द अग्रीमेंट जो उन्होंने गोल्डमैन सैक्स के साथ किया, जो बहुत फेमस इन्वेस्टमेंट बैंक है। पहला रीजन जिस वजह से बार्सा का सबसे ये इजिंग हुई है, जहां से उनके पास इतना पैसा आया है एंड वो इतनी साइनिंग्स कर पा रहे हैं, इज बिकॉज ऑफ दिस डील जो गोल्डमैन सैक्स के साथ साइन हुई है। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन जो है यहां पर इज द स्पॉटिफाई कैप नाउ डील। आपको पता ही होगा कि बार्सिलोना ने 70 मिलियन, अप्रोक्सीमेटली 70 मिलियन यूरो पर ईयर ले रही है स्पॉटिफाई से, जिसमें वो मेल टीम, फीमेल टीम और ट्रेनिंग किट पे स्पॉन्सर करेंगे। अलॉन्ग विद दैट बार्सिलोना के स्टेडियम कैंप नाउ का नाम अब स्पॉटिफाई कैंप नाउ हो चुका है। तो इन चीजों के लिए स्पॉटिफाई 70 मिलियन पर ईयर पे कर रही है बार्सिलोना को, विच इज नॉट अ बिग अमाउंट फॉर दैट काइंड ऑफ क्लब दैट बार्सिलोना इज, बट जिस सिचुएशन में भी बार्सा, आई थिंक इट इज अ वेरी गुड अमाउंट, इट इज अ वेरी गुड अमाउंट एंड इट वॉज अ वेरी गुड डील बाय जोआन लापोर्ता। पर भाई 70 मिलियन से भी तो चीजें नहीं हो रही, डेट तो अभी भी है, इंटरेस्ट उनको अभी भी पे करना है, तो बाकी पैसे कहां से आ रहे हैं? तो इसके लिए ही एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी इस साल बार्सिलोना की सीजन एंड होने के बाद, एंड उस मीटिंग में बार्सिलोना ने कुछ बहुत बड़े डिसीजंस लिए और जहां से उनने एक्चुअली पैसे जनरेट किए, जिसको लापोर्ता बोल रहा है हमारे फाइनेंशियल लीवर्स। तो बार्सा ने क्या किया, एक्चुअली उनने अपना 25%, पहले 10% और फिर 15% राइट्स बेचे हैं अपने टीवी राइट्स। टीवी राइट्स क्या होते हैं, जैसे कि हम वीडियो देखते हैं, हम मैचेस देखते हैं बार्सा के, तो उससे जो भी पैसे मिलते हैं बार्सा को, उन पैसे के राइट्स बार्सा ने बेचे हैं अप्रोक्सीमेटली 25%, और वो पूरे का अमाउंट हुआ है 25 साल के लिए अप्रोक्सीमेटली 525 मिलियन। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट हो गया, यहां से पैसे आ रहे हैं बार्सा के पास। फिर भी यार, फिर भी सारी चीजें तो नहीं होती, ये तो 25 साल के अंदर पैसे मिलेंगे, ये तो आज के आज वाले हैं नहीं, तो बाकी पैसे कहां से आ रहे हैं उनके पास? बाकी पैसे उनके पास आ रहे हैं क्योंकि उनने अपनी BLM, जो बार्सा की जितने भी लोगो होते, जितनी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है बार्सा की, चाहे उनका लोगो टी शर्ट पे छपता हो, चाहे उनका लोगो किसी मग पे छपता हो, चाहे किसी बैग पे छपता हो, इन सबका एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है जो BLM नाम की एक कंपनी ओन करती है, एंड उस कंपनी का बार्सा ने 49% बेचा है टू आउटसाइड इन्वेस्टर्स। तो भाई यहां से भी लगभग अप्रोक्सीमेटली 300-350 मिलियन के बीच में अमाउंट है, वो भी यहां से आई है। तो दीज आर द मेन सोर्सेज जहां से बार्सा को पैसे मिले हैं, वेयर दे आर इन्वेस्टिंग। अब यार बहुत लोग बोलेंगे कि एक और सेल हुई है बार्सा की, विच इज नॉट एज मेजर बट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड स्पेशली फैंस को सेल का जानना बहुत जरूरी है। बार्सा ने बार्सा स्टूडियोज का 50% शेयर बेच दिया है
फॉर अप्रोक्सीमेटली 50 मिलियन यूरोज. सो अगेन एक बहुत बड़ा सेल फॉर बार्सा. एंड ये यही चीजें हैं जहां से बार्सा के पास आज पैसे. तो भाई अगर अगली बार तुमको कोई भी ये सवाल पूछे कि कहां से पैसे आ रहे हैं भाई बार्सा को प्लेयर्स बेचने के, फ्रेंकी को तो पैसे दे दो, तो बता देना कि भाई पैसे हैं क्लब के पास, कहां से आ रहे हैं वो भी बता देना. और भाई मैं एज अ मैड्रिड फैन तुमको बोल रहा हूं भाई, हेट मत करो, हम लोग के पास पैसे की कमी नहीं है, बार्सा के पास पैसे की कमी नहीं है. जितना कॉम्पिटिशन बढ़ेगा उतना ला लीगा में मजा आएगा. तो भाई विद दिस वीडियो आई थिंक आपको अच्छा लगा हो. अगर मैंने कोई चीज गलत बोली, अगर कुछ यहाँ पे मिस्टेक्स हुई, प्लीज लेट मी नो डाउन इन द कमेंट्स. और भाई अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक जरूर करना. एक साल के बाद कम बैक किया यार, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, देखते हैं वर्थ इट होता है कि नहीं. बट विद दैट सेड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन. टिल देन.